शहर का तब्दील होना, साद रहना और उदास रौनक के जिंदगी यहाँ है औरतों के दम से है। मुनीर नियाजी का ये शेर बेहद ही आज की कहानी पर बिल्कुल स्टिक बैठता है। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो महिला है जिसको देखकर आज पूरा देश नाच कर रहा है। इस बेटी को देखकर हर कोई ये कहने को मजबूर है कि हमारी बेटी छोरों से कम है क्या। जी हाँ, आपको बता दें कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ा खुरद की बेटी और महिला पहलवान राहुल मान की धर्मपत्नी श्रीमती सरिता मान जी ने 59 किलोग्राम वजन में वर्ल्ड की प्रथम रैंक पर आई है और न सिर्फ अपने समाज का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। यही वजह है कि सरिता मान के जीतने पर बधाई और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन भाजपा दिल्ली प्रदेश वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय नील दमन खत्री जी के नेतृत्व में किया गया। सर, सरिता जी, ये सब जो आज नंबर वन है, तो क्या सरिता मान ने इस गाँव का ही नहीं, जहाँ इनका जन्म हुआ वहाँ का ही नहीं, अभी तो पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज मैं सभी नौजवान साथियों को अपनी टीम के साथ, अपनी बहनों के साथ सरिता जी को आशीर्वाद देने भी आया हूं और इनको शुभकामना भी देने आया हूं कि ये आने वाला जो टाइम है ओलंपिक का, उस ओलंपिक में ये मेडल जरूर देश के लिए लेकर के आएगी। ऐसी आशा है, पूरा विश्वास इस व्यक्ति पर है और निश्चित रूप से राहुल और सरिता दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और पूरे परिवार को। इन्होंने हमारी छाती चौड़ी कर दी, हमारा जो माथा है वो गर्व से आज ऊंचा किया है। मैं इन दोनों बच्चों को पुनः आशीर्वाद देता हूँ और ये निश्चित रूप से इस देश का जो मेडल, ओलंपिक मेडल लाने का सपना है, मोदी जी का हो चाहे किसी का भी हो, हर भारतवासी का है, वो ये पूरा जरूर करेंगे, ये मुझे विश्वास है। जिसमें सरिता मान और उनके पति राहुल मान को पटका पहनाकर, फूल माला पहनाकर श्री गणेश भगवान जी की मूर्ति और हनुमान जी की गदा भेंट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चित्र वाली और नीलदमन खत्री जी के चित्र वाली दीवार घड़ी भेंट की गई और मिठाई खिलाकर सरिता मान जी का अभिवादन किया गया। सिर्फ यही नहीं, इस कार्यक्रम में उप महापौर अर्चना दिलीप सिंह, अलीपुर मंडल उपाध्यक्ष विजय मान, अलीपुर मंडल से मंत्री कौशल्या मान, एडवोकेट विपिन कौशिक, कर्मठ भाजपा कार्यकर्ता कमल शर्मा, हुलंबी महामंत्री नरेश प्रजापति, जिला महिला मोर्चा से उपाध्यक्ष लतेश दहिया, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता व पूर्व में मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा कमलेश डांगी, समाज सेवी कृष्ण कुमार कौशिक, अलीपुर मंडल से उपाध्यक्ष सुभाष व धर्मराज, मेट्रो बिहार नरेला से संजय खत्री, दिलीप सिंह और कार्यक्रम के संयोजक अनगृत प्रकोष्ठ से संयोजक अलीपुर संदीप कौशिक रहे। वे गांव के कई अन्य प्रमुख भाई बहनों ने मिलकर स्वागत समारोह का आयोजन किया। भारत की बेटी बहन सरिता मान को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सरिता जी और उनकी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक महिला होने के नाते मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ कि कितनी सारी परेशानियां हमारे साथ होती हैं। उसके बाद भी अगर सरिता जी इस मुकाम पे पहुंची हैं तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि परिवार ने ही इनका इतना ज़्यादा साथ दिया होगा। तो ढेर सारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं और आपने हमारे वार्ड का ही नहीं, पूरे भारत का जो है नाम विश्व में किया है। तो आप आगे बढ़ें, आपके जो लक्ष्य हैं उनको आप पूरी तरह से अपने ध्येय को प्राप्त करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। एक चीज़ मैं भी यहाँ बताना चाहूँगी, अनुराग ठाकुर जी, उनको मैंने भी एक लेटर लिखा था और जिसका जवाब उन्होंने मुझे एग्जैक्टली वही दिया जो हमारे विधायक जी बता रहे हो कि जहाँ पर आप ये खेड़ा खुर्द में जहाँ बनवाना चाहते हैं वहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई ज़मीन नहीं जिसके हम खुद काम कर सकें। उसमें हमें NOC लेनी पड़ती है दिल्ली गवर्नमेंट की, जो वो बिल्कुल भी नहीं देने को तैयार है। सारी जनता आज देख रही है। तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार कहीं कुछ करना भी चाहती है तो वहाँ पे दिल्ली सरकार हमें वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देती है। कार्यक्रम में आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे और सरिता मान का स्वागत किया गया। ये तस्वीरें बता रही है कि अब क्षेत्र की महिलाएं सिर्फ गृहिणी नहीं है, आगे बढ़कर देश का नाम भी रोशन कर रही है। सरिता और रचना मैम को नीलम खत्री जी का बहुत सह दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जो मुझे इतना मान सम्मान दिया। और मैं यही कामना करती हूँ कि आगे भी मैं अच्छे से मेडल लेके आऊँ और ये मान सम्मान ऐसे ही बरकरार रखूँ। और आप सभी का आशीर्वाद और दुआ है तो मैं बिल्कुल एक ना एक दिन ओलंपिक से गोल्ड लेके आऊँगी और ऐसे ही मान सम्मान। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।